दोस्तों नमस्कार, सलाम, आदाब। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अटारी ब्रदर। जिन दोस्तों ने, जिन भाइयों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर ले और घंटी के बटन को भी प्रेस कर ले, जिससे नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अर्टिकेरिया। ये एक खास किस्म का एलर्जिक रोग है। यह हमारे जिस्म में लाल लाल दाफड़ से पड़ जाते हैं, लाल लाल कलर्स के होते हैं। यह हैं जब हमारे जिगर में गर्मी हो जाती है, खून में गर्मी हो जाती है, जिसकी वजह से यह शीत पित्त होता है। यह पित्त के बढ़ जाने से होता है। यह पित्त और वात की तहरीक से होता है। यह इसे अर्टिकेरिया भी कहते हैं, पित्त उछलना भी कहते हैं, शीत पित्त भी कहते हैं। तो दोस्तों जिसको भी यह होता है, जिसे उसे बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, बड़ी परेशानी होती है, वह खुजला खुजला कर परेशान हो जाता है, बेहाल हो जाता है, उसके लिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक मुजर्रब नुस्खा, जो रामबाण नुस्खा है। जो भी बनाएगा फायदा उठाएगा। तो नुस्खा बताने से पहले मेरी आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन जिन्होंने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर ले और घंटी के बटन को भी प्रेस कर ले, जिससे नई आने वाली वीडियो भी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों आयुर्वेदिक रसायन युक्त द्रव्यों से बने उत्तम योगों में शीत पित्त एक प्रतिष्ठित और बहुत उपयोगी योग है। वैद्यगण इसे निसंकोच होकर रोगियों को सेवन कराते हैं और रोगियों को लाभ होता है। यह एक कीटाणु नाशक है, योगवाही है और विष नाशक योग है। इसके जो घटक हैं, इसमें क्या क्या अद्वियात पड़ती है, कैसे बनाई जाती है, उठा लीजिए काफी पेंसिल और लिख लीजिए पूरा नुस्खा। इसमें आपको लेना है सूत शेखर रस, यष्टि मधु, सूत शेखर रस और यष्टि मधु दो द्रव्य 100-100 ग्राम लेने हैं और सारिवा, मंजिष्ठा, भ्रंगराज, स्वर्णमाक्षिक भस्म, परवाल पंचामृत, गिलोय, सभी 6 द्रव हुए हैं। ये 6 के 6 50-50 ग्राम लेनी है। भावना, शिरिस्त्वक, आम, हल्दी और आमलकी, विडंग, गोरखमुंडी, निशोथ, काली मिर्च, सबका काढ़ा बनाकर, इन सब का काढ़ा, सब दवाओं को खरल करके डालकर, इस काढ़े में डालकर 21 दिन तक खरल करें और छाया में सुखा लें। मात्रा और सेवन विधि इसकी इस प्रकार है। जब आप इसके छाया में सुखा लेंगे तो इसको दोबारा खरल करके यह एक चूर्ण तैयार हो जाएगा, एक पाउडर तैयार हो जाएगा। यह पाउडर 1-1 ग्राम सुबह और शाम पानी के साथ लें
इसके सेवन से जितनी भी एलर्जी है, जितने प्रकार की भी एलर्जी है, सभी ठीक हो जाती है। अर्टिकेरिया, जिसे हम शीत पित्त भी कहते हैं, पित्त उछलना भी कहते हैं, जो हमारी त्वचा पर दाफड़ से पड़ जाते हैं, लाल लाल से हो जाते हैं, वे इससे बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। और जो हमारे शरीर पर चकते से पड़ जाते हैं, लाल लाल कलर के कड़ू, जो खुजली होती है, एक्जिमा, जीर्ण ज्वर, इसमें भी इसको इस नुस्खे से बहुत ही अच्छा लाभ होता है। और सोरायसिस तक की दवाओं में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है, जो रक्त को शोधित करती है, खून को साफ करती है, पित्त को शामक, पित्त शामक है, पित्त को खत्म करती है, और पांडु रोग को भी ठीक करती है, लीवर को भी ठीक करती है, और लीवर पर जो सूजन होती है उसको भी इससे बहुत ही अच्छा आराम होता है, लीवर के सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। शीत पित्त चूर्ण घर पर ही बनाया जा सकता है, जिन दोस्तों को ये बनाना है वो बना सकते हैं, हमने आपको पूरा नुस्खा बता दिया है। अगर कोई समझ में ना आया हो तो एक बार फिर हम इसको रिपीट कर देते हैं नुस्खे को। इसमें आपको लेना है सूत शेखर रस, यष्टि मधु, ये दोनों 100-100 ग्राम लेने हैं, और सारिवा, मंजिष्ठा, भृंगराज, स्वर्णमाक्षिक भस्म, परवाल, पंचामृत, गिलोय, ये सभी छह अद्वियात जो हैं, ये सभी 50-50 ग्राम लेनी है। और इसकी जो भावना देनी है, इसमें लेना है आपको आंबा हल्दी, वो आम हल्दी, आमल की, विडंग, गोरख मुंडी, निसोत, काली मिर्च, इन सब द्रव का काढ़ा बनाकर इसमें खरल करना है 21 दिन तक, और घुटाई करके इसका छाया में चूर्ण सूप बना ले और सुखा लें। इसका आप प्रयोग करें तो शीत पित्त जड़ से समाप्त हो जाता है, सभी चर्म रोग इससे ठीक हो जाते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये नुस्खा? अगर आपको ये हमारा नुस्खा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब जरूर कर देना और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। ये ही आपके लिए बड़ी से बड़ी, हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है। आपका तो एक सेकंड लगता है, हमारे लिए बहुत, हमें नई वीडियो बनाने के लिए आपका एक सब्सक्राइब हमें प्रेरित करता है। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार।